बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, तिब इस्लामी पे इससे पहले भी हम अपने प्रोग्रामात में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। तिब इस्लामी के मौजू पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुआज़्ज़ज़ मेहमान और मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत जनाब मोहतरम हकीम अताउल्लाह। मोहतरम हकीम अताउल्लाह साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हमने आपसे जो सवालात का सिलसिला रखा था अपने सामईन अपने नाज़रीन के फ़ायदे के लिए, हम उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आपकी हिकमत और आपकी हिकमत के तजर्बे से कोशिश करेंगे कि ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो इससे। तो तिब इस्लामी के हवाले से आप अगर हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और इसका फ़ायदा अवामुन नास तक किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिन मजीद, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाँ जी, मैं विशाल उर्दू का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस मौजू पे बात करने के लिए कहा। तो ये तिब का एक मौजू है, बदन इंसान जब बीमार होता है तो उसको शिफा में डालना जी। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है जी। ये पैगंबराना कलाम है, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मेरा मुझे शिफा देता। यूँ है कि बीमार भी तो अल्लाह ही करता है जी, लेकिन पैगंबर ये नहीं करते, कहते कि अल्लाह मुझे बीमार करता है फिर मुझे शिफा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका इसका कहने का मकसद ये है कि मैं जब बीमार होता हूँ तो हमारे तगैर व तबद्दल मौसमों में, कभी गर्म कभी सर्द, कभी किसी जगह पे खाना, कभी किसी जगह पे कभी गर्म खा लेना कभी सर्द खा लेना, कभी मौसम में तगैर, कभी सर्दी का लग जाना, गर्मी का लग जाना, ज़्यादा सो लेना कभी थोड़ा, तो इन तगैर व तबद्दल से मैं बीमार हो जाता हूँ। गोया कि वो बीमारी अपने ऊपर डाल रहे हैं। एक समझ लें कि कलाम का एक खूबसूरत अंदाज़ है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे। अकीम साहब, मुझे माजरत के साथ यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई, शायद मगर मैं यहाँ कोड ना करूँ तो आइंदा मुझे कहीं कोड करने का मौका ना मिले। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हैं, उम्र में भी आपसे बड़े हैं। तो एक मरतबा किसी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनु से पूछा कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। बात करने वाले का मकसद ये था कि कहीं इनकी ज़ुबान से निकले कि मैं बड़ा हूँ। तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पे बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, वुलिद तो कबल हूँ वह अकबर मिन्नी, पहले मैं पैदा हुआ लेकिन बड़े वो हैं। तो ये एक होता है बाज़ लोगों के, अल्लाह ताला ने उसमें सलीका दिया होता है कि वो उनकी गुफ्तगू में जो है वो एक सबक होता है लोगों के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमाना, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफी, जब बीमार मैं होता हूँ, हालांकि बीमार भी अल्लाह करता है, जब बीमार मैं होता हूँ तो शिफा वो देता है। बहुत अच्छी बड़ी खूब बात आपकी चल रही थी। तो अब बीमार जब इंसान होता है तो अब उसको तलाश होती है कि मुझे शिफा मिले जी। पहली बात तो ये है कि बीमार ना हो, ऐसे उसूल हों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में जो फरमाया कि कोशिश करो कि बीमार ना हो, ये जैसे गुसल करना है, बहुत प्रोलॉन्ग करो तो जुमे के दिन तो गुसल ज़रूरी है। एक गुसल में ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जुमे का गुसल पिछले गुसल के गुनाहों का किफारा भी है, और मैल कचोल बदन से हट जाती है, जैसे बाल बदन पे होते हैं कुछ फालतू उनका उतारना, नाखनों का उतारना और कपड़ों का धोना, उसमें मैल और वो गंदगी हो तो फिर भी बीमारी लग सकती है। तो यानी आपने फरमाया कि ये जो पाकिजगी लाओ। हाँ, ये इसमें मेरे ख्याल में एक फ़ायदा तो ये है कि ख़ुद इंसान को नफ़रत है मैल कुचैल से और इन चीज़ों से, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अल्लाह ताला पाकीज़गी पसंद करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, बेशक। तो पाकीज़गी हो, ज़ाहिरी हर चीज़ एतबार से कपड़े साफ़ हों, बेशक नए नाम भी हों तो साफ़ तो हो ना जी। कपड़ा अगर नया हो और उसमें मैल हो और जिसको जितना प्रेस कर लो खूबसूरत नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल घटिया सा कपड़ा हो तो तुला हुआ हो तो उसको प्रेस कर लें तो वो खूबसूरत लगेगा। तो मैल के होया कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़े मैले ना पहनो। और फिर ये नींद में तवाज़न,
अब ये है हमारे यहाँ की रात, हम सारा दिन रात काम करते रहते हैं, दिन को फिर सोए रहते हैं जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात अल्लाह करीम ने आराम के लिए और दिन को काम के लिए बनाया है, तो दिन को सोना अच्छा नहीं है। हकीम साहब, आजकल दुनिया का मिजाज ही बहुत अजीब सा बन गया है। कुरान करीम जहाँ कहीं भी पढ़ें तो अल्लाह ताला ने रात के तज़किरे के साथ नींद का तज़किरा किया, वजअलना लैला लिबास, बल्कि कुरान करीम 20वें पारे की एक आयत है जी हाँ, कमाई के लिए अल्लाह ताला ने दिन बनाया। तो एक आयत है, मैं आपका प्रोग्राम है, ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ, लेना नहीं चाहिए आवाम को, आपके फादर है कि मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आ गई आपकी बात से। वमिन आयात ही, अल्लाह ताला की निशानियों में से ही है, जारा लकुम लैल वन नहार, जिसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाई, लि तस्कुनू फीही वली तबतगू मिन फज़ली, ताकि उसमें रात में सुकून हासिल करो और दिन में अल्लाह ताला के रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। और फिर फरमाया कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बज़िया, अगर अल्लाह ताला रात को खींच ले और दिन ना आए तो तुम्हारे लिए रोशनी लाने वाला कौन है। और इसी तरह फरमाया कि अल्लाह ताला वमिन आयाती जाला लकुमुन नहार, अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए दिन बनाया। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह, तो अल्लाह के अलावा कौन है जो रात लाए जिसमें तुम सुकून हासिल करो। यानी रात को अल्लाह ताला ने सुकून के लिए बनाया, जबकि आजकल फैशन बन गया कि रात को जागना और दिन को सोना है। दो बजे किसी से रब्ता करो, कहता है जी नाश्ता कर रहा हूँ दिन को। और देखें ये जो नमाज है, पांच वक्त इंसान पे फ़र्ज है, एक इंसान तवाज़ुन खाने में रखे और पांच वक्त नमाज मस्जिद में जाके पढ़े तो वो बीमार नहीं होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और पैदल चल के मस्जिद तक जाना, इसमें ये भी है कि एक एक कदम पे कितनी कितनी नेकियां मिलती हैं, और मस्जिद तक जाना और फिर वापस आना, उसकी एक तो ये है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी वर्जिश। तो अगेम साहब, ये जब आप अपने दवाखाने पे बैठते हैं तो लोगों को सिर्फ अपनी दवाइयां बेचते हैं या ये मशवरा भी देते हैं? बेचते हैं और साथ उनको ये भी बताते हैं कि इस्लामी असूलों पे कारबंद रहोगे तो बीमारी नहीं होगा। चूंकि एक मौजूदा दौर जो मैं समझता हूँ, एक हर इंसान के अंदर एक लालच है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो डॉक्टर तो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल तो कभी भी नहीं बताते, उनकी तो ख्वाहिश होती है। तिब नबी से ताल्लुक़ है तो हम हिफ्ज़ान सेहत के उसूल बताते हैं। वो हमारे एक मोहतरम मौलाना हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत फरमाए, एक उनके दोस्त ने मेडिकल स्टोर खोला तो कहा जी हज़रत दुआ करवा दें आके इफ्तिताह के, तो हज़रत ने जाके पूछा मैं क्या दुआ करवाऊँ, मेरी दुआ करवाने का मतलब ये होगा कि मरीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा बीमार हों। तो आप लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूल भी बताते हैं? बताते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि लोग बीमार ही ना हों। तो जो बीमार होते हैं तो उनके लिए फिर दुआ भी करते हैं। लेकिन जब बीमार नहीं होंगे आपका दवाखाना कैसे चलेगा? अल्लाह करे बीमार ना हो तो हमारा दवाखाना चले ना चले, हमें कुछ चले। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बहुत कम लोग मैं आता हूँ तो लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, या अल्लाह बीमार ही ना हो, और जो बीमार हुए हैं जो हमारे पास आएँ या डॉक्टर के पास जाएँ, या अल्लाह उनको शिफाए कामला आइला अता फरमा, और बीमार जो हैं बिस्तरों पर बिलक रहे हैं, या अल्लाह उनको शिफा। आप अपने मरीज़ों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए? माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी है और बहुत खूबसूरत। पाँच वक्त नमाज का पढ़ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह जल्दी सो जाओ और सुबह रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, तो ये हिफ्ज़ान सेहत में ये भी है। जब इंसान रात को जल्दी सोएगा उसकी नींद पूरी होगी, सुबह तहज्जुद के लिए भी उठ सकेगा और फ्रेश हो जाएगा। अगर रात को देर से सोएगा, एक सुबह को नमाज जाएगी, तहज्जुद का तो जवाब ही नहीं, सवाल ही नहीं होगा कि वो ना पढ़ लेगा, नमाज भी वो यूँ ही पढ़ेगा, सोए सोए पढ़ेगा अगर पढ़ भी लिए तो। हाँ जी, तो नींद 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे 24 घंटों में सोना ज़रूरी है, ये बदन का एक जैसे हक है। इतने 8 घंटे सोगा, बदन सो जाएगा तो ये फ्रेश हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, ये भी हिफ्ज़ान सेहत में है। और फिर पांच वक्त का वज़ू, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई तुम्हारे दरवाजे के आगे से अगर कोई नहर गुजरती है और पांच वक्त तुम उसमें गुसल करो तो क्या कोई मैल कुचैल या कोई चीज़ बदन पर रह जाएगी? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह ये पांच वक्त नमाज जो है ऐसे ही है, तुम्हारे बदन को ये रूहानी और जिस्मानी तरीके से पाक कर देती है। तो नमाज की जो हायत है, खड़े होना क़याम में, फिर रुकू में, दिल की कैफियत क़याम में कुछ और है, रुकू में गया है तो कुछ और है, जब वो खड़ा हुआ है कौमे के लिए तो और है, जब सजदे में जाएगा तो दिल की कैफियत कुछ और होगी, फिर वो बैठेगा तो वो कुछ और होगी, फिर जाएगा। यानी एक गैर महसूस तरीके से आदमी अपने जिस्मानी उस पर फिटनेस पे वर्जिश पे, ये बहुत इसके रूहानी बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं।
फिजिकली एतबार से नमाज का पढ़ना, अगरचे नमाज को इस नज़र से देखना नहीं चाहिए कि मैं सेहत के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज तो आदमी मुफीद है नमाज आदमी अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है, लेकिन आप अगर एक हकीम हैं तो आपको इस नज़र से भी देखना चाहिए नमाज को। ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। और फिर सजदे में जब इंसान जाता है तो कामिल खून दिल और दिमाग की तरफ पूरा आता है, दिमाग में ज़्यादा होता है, फिर वापस आता है तो ब्लड प्रेशर का इलाज हो जाता है। जी माशाल्लाह, तो ये ऐसे। तो फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोपहर का खाना खा के फिर थोड़ा सा कैलूला कर लो, इस कैलूले का फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि रात तहज्जुद में उठ सकोगे। तो ये भी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों में है। और फिर हमारे यहाँ ये है कि बेडरूम है उसके साथ ही टॉयलेट है, खाना खाया और उस खाना पेशाब आया तो उधर ही चलने का जवाब ही कोई नहीं है, निकलना है तो कार पर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम से कम चहलकदमी करो, खाने के बाद 40 कदम चलो, तो नहीं चलते तो बीमारियां तो आएंगी। हिफ्ज़ान सेहत जो है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं उन पे इंसान का अरबंद रहे तो बीमार नहीं होता। बहुत अच्छे, तो यानी आपकी हिकमत में सबसे पहला उसूल ये है कि बंदा बीमार ही ना हो। हिफ्ज़ान सेहत का उसूल सबसे पहला ये कि बंदा बीमार ही ना हो, और उस बीमार ना हो बंदा, इसके लिए बंदे को वो इस्लामी उसूल इबादत इस्लाम के असूलों पर कर बने। तो इस्लामी हम पे 5 वक्त नमाज फ़र्ज है इंसान, और बीमार पे रोज़ा नहीं है, रोज़ा होगा तो बीमार होगा तो रोज़ा नहीं रख सके, बीमार होगा तो वो ना उम्रा पढ़ सकेगा ना जहाज पे जा सके, बीमार के लिए बीमार होगा तो बीमार है तो कुछ भी नहीं कर रहा है। हिफ्ज़ाने सेहत का असूल इसलिए कि बीमारी नहीं आए, 5 वक्त नमाज पढ़ोगे रोज़े रखोगे तो आप में तज़किया आएगा, तज़किया नफ्स होगा, तो बीमार तो अपनी बीमारी में पड़ा रहेगा। तो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर पाबंद होना, कारबंद रहना, ताकि बीमारी इंसान ना हो, सारे अरकान जो दीन के हैं उन पर वो अमल पैरा हो सके। बहुत खूब हकीम साहब, आपने हमें बहुत मुफीद मालूमात दी। हमारे नाज़रीन भी हमारी इन हकीम साहब की बताई हुई बातों पे अगर अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कोशिश बंदे की यही होनी चाहिए कि मैं बीमार ही ना हूँ। उसके लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं और इस्लाम के बताए हुए जो उसूल हैं उन पे कारबंद रहा जाए तो इंसान बीमारी से दूर रहेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।